नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक सेक्शन ड्रॉ कर लिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हिस्सा बाकी है, जैसे कि यहाँ पर कोलैप्सिबल डोर है, यहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर छज्जा वगैरह है, तो ये सब हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग एनोटेशन जो होगा इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर कोलैप्सिबल डोर ड्रॉ करेंगे। इसके पहले मैं देखिए एलिवेशन लेयर पे चला जाऊंगा, यहाँ से देखिए मैं टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। फिर दोस्तों यहाँ पर भी मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर भी सेम तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो पैनल वॉल है इसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। फिर से शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे देखिए मैं एंटिटी को ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो पैनल वॉल था इसको भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कोलैप्सिबल डोर ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पर जो छज्जा था इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए मैं फिर से टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पर देखिए स्नैप ऑन एंटिटी को ऑन रखूँगा। यहाँ पर देखिए फिर से मैं ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट डिस्टेंस इस बार मैं ले लूँगा 15। अब दोस्तों मैं यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पे देखिए यहाँ पर मैं लेंथ ले लूँगा 45। यहाँ पे स्नैप लेके एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, स्नैप पॉइंट मैं ले लूँगा स्टार्ट और लेंथ मैं ले लूँगा 5। यहाँ पे स्नैप लेके मैं क्लिक करूँगा। फिर दोस्तों राइट क्लिक करके टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको कट करना है तो CUT कट टाइप करूँगा, यहाँ पे एक कट लूँगा, यहाँ पर और एक कट लूँगा, यहाँ पे कट लूँगा, फिर दोस्तों यहाँ पे कट लूँगा, इसको करूँगा डिलीट, इसको भी करूँगा मैं डिलीट। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर जो छज्जा था इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर कोलैप्सिबल डोर भी हम लोग आसानी से ऐड कर सकेंगे। तो कोलैप्सिबल डोर ऐड करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर फिर से ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट लेने से पहले यहाँ पर मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओ एंटर करूँगा, ओ एंटर, और यहाँ पे देखिए ऑफसेट डिस्टेंस मैं ले लूँगा 7। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो कोलैप्सिबल डोर है ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हम लोग डिलीट करेंगे, तो मैं टाइप करूँगा ट्रिम और इस तरीके से हम लोग इसको ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पर भी ट्रिम। तो देखिए यहाँ पर जो कोलैप्सिबल डोर है इसको हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर की जो पार्ट है इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक छज्जा आएगा तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ बाई लेयर, टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर दोस्तों ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट डिस्टेंस मैं फिर से ले लूँगा 15। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से ऑफसेट लूँगा, ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस मैं लूँगा 15, ऑफसेट ले लिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ से राइट क्लिक करके मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, लेंथ मैं ले लूँगा 45 और स्नैप पॉइंट देखिए एंड लूँगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। फिर दोस्तों मैं राइट क्लिक करूँगा, वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अब दोस्तों मैं लेंथ ले लूँगा 5 और स्नैप पॉइंट मैं ले लूँगा स्टार्ट और यहाँ पर स्नैप लेके मैं क्लिक कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं टू पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ करूँगा। तो इस पोर्शन को मुझको फिर से कट करना है और यहाँ से आप ट्रिम भी कर सकते हैं। तो
ट्रिम कर ले इसको। ओके तो देखिए यहाँ पर जो छज्जा की पोर्शन है ये भी ड्रॉ हो गया है। ओके यहाँ से देखिए मैं एक लाइन लूंगा, शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग विंडो की पोर्शन ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट कर लूंगा केन, फिर से मैं ऑफसेट लूंगा ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस मैं ले लूंगा फिर से 7, यहाँ से एक लाइन लूंगा और यहाँ से एक लाइन लूंगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे सी यू टी कट, यहाँ पे कट लूंगा, यहाँ पे कट और यहाँ पर कट। अब दोस्तों इनको मैं कर दूंगा डिलीट और इस पोर्शन को भी मैं कर दूंगा डिलीट। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जो विंडो है ये आपका रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर है ये हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से कॉपी करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर को रेडी कर सकते हैं, सेकेंड फ्लोर को भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्लान है यहाँ पर उतना चेंजेस नहीं है, सिर्फ देखिए इस पोर्शन पे डोर के जगह पे आपका वॉल रहेगा। ओके तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए कौन सा पोर्शन मुझको सिलेक्ट करना है तो ये आप देख लीजिए। तो ये पोर्शन मैं सिलेक्ट करूंगा, ये सब भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर दोस्तों इसको सिलेक्ट करूंगा, इनको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा और ये पोर्शन भी मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पोर्शन को भी मैं सिलेक्ट करूंगा और इन पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो दोस्तों जो जो पोर्शन मुझको सिलेक्ट करना है ये मैंने कर लिया है। अब दोस्तों मॉडिफाई ऑप्शन पे जाके यहाँ पर ऑप्शन है देखिए मूव और कॉपी। तो यहाँ पे देखिए मुझको रेफरेंस पॉइंट लेना है तो इस पॉइंट को मैं रेफरेंस लूंगा। ओके तो रेफरेंस ले लिया है। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पर सिंपली प्लेस कर दूंगा और देखिए यहाँ पर कीप ओरिजिनल रखिए और मैं ओके कर दूंगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इजीली हम लोगों ने जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ से हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सिंपली क्या करें, टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, यहाँ से यहाँ तक आप लाइन ज्वाइन कर दे, सॉरी यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बाई लेयर कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर ले और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ कर ले। तो देखिए ये पोर्शन भी आपका रेडी हो गया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये पोर्शन भी हम लोगों के पास रेडी हो गया है। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया है। अगर इसके ऊपर भी सिमिलर आपका फ्लोर है तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके अब दोस्तों यहाँ पर मम्टी रूम ड्रॉ करेंगे। तो मम्टी रूम की हाइट यहाँ पर मेरे पास है 2.4 मीटर। तो चलिए इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखिए सेट रिलेटिव जीरो पोजिशन को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर लूंगा। ओके और इसके बाद दोस्तों राइट क्लिक करूंगा, वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और लेंथ मैं ले लूंगा 2.4 मीटर, मतलब 240 सेंटीमीटर। तो मैं 240 ले रहा हूँ, 240। और यहाँ पर देखिए जो स्नैप पॉइंट है ये आपका स्टार्ट है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और दोस्तों इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा। ओके तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो गया है। अब दोस्तों मैं ऑफसेट लूंगा, इस बार मैं ऑफसेट लूंगा 10 इंच वॉल। तो इस साइड देखिए मैं ऑफसेट ले लूंगा। ओके फिर दोस्तों यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर से देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, 240 लिया हुआ है। तो यहां से देखिए मैं रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल ऑप्शन को ऑफ कर देता हूं और यहां पर देखिए स्नैप लेके क्लिक करूंगा और यहां पर देखिए स्नैप लेके क्लिक करूंगा। तो देखिए जो वॉल है ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर स्लैब होगा, तो स्लैब मुझको ड्रॉ करना है। तो स्लैब ड्रॉ करने के लिए देखिए पहले मैं यहां पर 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब को मैं ड्रॉ करूंगा। तो फिर से देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा, टू पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, यहां से देखिए यहां तक मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा। फिर से दोस्तों मैं ऑफसेट लूंगा, ऑफसेट डिस्टेंस मैं 10 लूंगा और देखिए यहां पर मैं ऑफसेट
ले लूंगा। ओके, अब दोस्तों इस स्लैब को चारों तरफ से मुझको एक्सटेंड करना है 15 सेंटीमीटर, तो मॉडिफाई ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर ऑप्शन है देखिए लेंथ एन, और लेंथ एन पे जाके देखिए यहाँ पर मैं 15 ले लूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूंगा, इस साइड पे क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों मैं टू पॉइंट्स ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा और फिर दोस्तों यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जो मम्टी रूम की पोर्शन है ये आपका रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इस डोर को मुझको यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसको आप कॉपी करके यहाँ पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करके प्लेस कर दूंगा। तो कॉपी करके प्लेस करने से पहले देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सेट रिलेटिव जीरो, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है लॉक रिलेटिव जीरो पोजीशन, मैं इसको लॉक कर दूंगा। ओके, अब दोस्तों देखिए मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा, तो सिलेक्ट हो गया है। अब दोस्तों राइट क्लिक करूंगा, यहां से देखिए मेरे पास ऑप्शन है मूव और कॉपी, इसको सिलेक्ट करूंगा। यहां पे देखिए मैं स्नैप लूंगा। अब दोस्तों इसको यहां पर मुझको प्लेस करना है, प्लेस करने से पहले देखिए यहां पर ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और दोस्तों देखिए इसको मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा और कर दूंगा ओके। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डोर है इसको भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से हम लोगों ने इसका सेक्शन को ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पैरापेट वॉल है, पैरापेट वॉल को मुझको ड्रॉ करना है, तो पैरापेट वॉल की हाइट हम लोग लेंगे 80 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों पैरापेट वॉल को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो लॉक रिलेटिव जीरो पोजीशन रखा था इसको मैं ऑफ कर दूंगा और रिस्ट्रिक्ट वर्टिकल था इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लेंथ मैं 80 लूंगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके मैं क्लिक कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 80 सेंटीमीटर की लाइन आ गया है। अब दोस्तों फिर से मैं ऑफसेट लूंगा, इस बार ऑफसेट मैं लूंगा 10 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ओके, अब फ्रेंड्स यहां से मुझको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके लिए देखिए मैं टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे स्नैप लूंगा और यहां पर देखिए मैं शिफ्ट प्रेस करके यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ओके,